जगह मुहैया करके हमको वहाँ रखवाया जाए, हम पूरे परिवार दूसरे घर में बिलड़ रहे हैं। रखवाए 3 महीना रहे हैं, 3 महीना के बाद मेरा भाई के मर्डर कर दिया। अच्छा, मर्डर का मुख्य आरोपी कौन है? मुख्य आरोपी सुबोध पासवान है, मनी पासवान है, गुमानी पासवान है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे साथ देश प्रेम न्यूज़। स्वागत है साथियों आपका। हमारे साथ मौजूद है, ये अपने गांव से आया है हाईकोर्ट के पास, हाईकोर्ट में केस करने के लिए आया है। इनका मसला क्या है, मुद्दा क्या है, क्या प्रॉब्लम है इन्हें, हम इन्हीं से जानते हैं, इन्हीं की जुबानी। बताइए सर, क्या प्रॉब्लम है आपको? मेरा भाई का 2.5 महीना हो गया गोली मार दिया है। कहाँ से आए हैं आप? मैं सुडिया से आया हूँ, गाँव से। अच्छा, कौन सा जिला पड़ता है? पटना जिला पड़ता है। थाना गौरी चौक। अच्छा, बताइए प्रॉब्लम क्या था? मैं जैसी बाढ़ में जीता ना मेरा मम्मी, वैसे मेरा परिवार के घर से वहाँ से भगा दिया। कौन भगाया? सुबोध पासवान। अच्छा, मनी पासवान, वो सब अरदास, वो सब है मनी पासवान, गुमानी पासवान, गुहन पासवान, धीरज पासवान, ये सब जो है ना, सब पूरे परिवार आके हम पूरे परिवार को भगा दिया घर से। और फिर जैसे ही फिर 7-8 महीना हुआ तो हम DSP साहब यहाँ आए, तो रखवाएँ जाके घरे रखवाएँ 3 महीना रहे हैं, 3 महीने के बाद मेरा भाई के मर्डर कर दिया। अच्छा, मर्डर का मुख्य आरोपी कौन है? मुख्य आरोपी सुबोध पासवान है, मनी पासवान है, गुमानी पासवान है, प्रभात कुमार है। मतलब हार से बौखला गया था? यस सर, हार से बौखला गया, हार बर्दाश्त नहीं कर पाया। अब पूरा घर के हम लूट लिया था, तो फिर हम आगे DSP साहब आए तो रखवाए हैं, रखवा के 3 महीना रहे हैं कि वैसे ही मेरा भाई के हत्या कर दिया। अच्छा, मर्डर कब हुआ था? मर्डर हुआ 28 नवंबर के, 28 नवंबर 2022। यस सर। अच्छा, DSP साहब क्या बोले फिर गए तो? DSP साहब बार बार जा रहे हैं, बाकी अभी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, खाली डरावा दे रहे हैं कि होगा कार्रवाई, गिरफ्तार होगा ना, खाली बोल रहे हैं। 3 को हुआ ना, अब मुख्य आरोपी गिरफ्तार नहीं हो रहा, हम सब डर भाई से पूरे घर भागे हुए हैं, कोई नहीं है। जब पुलिस प्रशासन पर भरोसा है कि नहीं है? पुलिस पर एकदम भरोसा, हमको एकदम कोई अथी हो गया, खो एकदम खत्म, उठ गया, एकदम उठ गया, इसलिए हाईकोर्ट आए। हाईकोर्ट आए, इसलिए हाईकोर्ट का शरण में। यस सर, यस। हाईकोर्ट से क्या उम्मीद है? हाईकोर्ट से हमें लग रहा है कि उम्मीद है, भरोसा है कि यहाँ से हमको इंसाफ मिल। दरबार में गए थे? जनता दरबार में, मतलब कि 2 साल से हम अब लिखे अथी कर ले हैं जायला, बगैर अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया उन्हें से। अच्छा, ऑनलाइन किए हुए हैं। RJD कार्यालय में जो जनता दरबार चलता है उसमें गए थे? नहीं, हुआ नहीं, हम गए थे इसका पहले। कहाँ गए आप? मुख्यमंत्री जी एप्लीकेशन जमा होता ना, हुआ सब दो बार दिए हैं एप्लीकेशन, अभी तक कोई अथी नहीं हुआ है। मतलब इतना बड़ा दबंग है कि आपको गांव से निकाल दिया, और आपको समाज से निकाल दिया, आपको गांव से निकाल दिया, आपके भाई का मर्डर कर दिया। 15-20 केस। आपके लोग कहाँ थे? आपके साथ देने वाला कोई नहीं है वहाँ? नहीं, कोई सब उसका डर भाई से कोई नहीं बोलता है, उसको कोई मारते रहेगा ना तो उसको देख के नहीं कहेगा कि फलना मारा है। कितना बड़ा क्रिमिनल है? 15-20 वो केस उस पर है सर, अभी तक थाना गिरफ्तार नहीं कर रहा है। SP से लेकर DSP सगरों हम घूम गए हैं पूरा, मगर नहीं अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होता है उस पर। अब पूरे परिवार पर, हम 2 भाई बच रहे हैं, दोनों भाई के मारे पर पड़ल है पीछे। सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? सरकार से हम कहते हैं कि हमको गिरफ्तारी जल्द से जल्द गिरफ्तारी किया जाए, हमने सुरक्षित वहाँ रखवाया जाए, सुरक्षा मुहैया कराया। हाँ, सुरक्षा मुहैया करके हमको वहाँ रखवाया जाए, हम पूरे परिवार दूसरे घर में बिलड़ रहे हैं। दूसरा घर कितना दिन रहे हैं, वो भी परिवार है जो आनाकानी कर रहा है रखे में। तो देख सकते हैं कितना दर्द है, एक भाई गुजरा इनका, काफ़ी दर्द है। इनके दर्द को तो हम लोग कम नहीं कर सकते हैं, मगर बांट सकते हैं, इनके तकलीफ को हम समझ सकते हैं। और प्रशासन से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि प्रशासन जल्द से जल्द मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करे। मुख्य आरोपी का क्या नाम है? सुबोध पासवान। सुबोध पासवान को जल्द से जल्द प्रशासन गिरफ्तार करे, ताकि बिहार में जो है अमन और चैन का माहौल कायम हो सके। प्रशासन से मेरा यही अनुरोध है, और ये हाईकोर्ट के शरण में आना पड़ा इनको, इसलिए क्योंकि बिहार सरकार की जो पुलिस है उन पर सिर्फ बड़े लोगों की बात सुनते हैं, गरीबों और मजलूमों की बात सुनने वाली नहीं है। साथियों, आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहे। हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।